ज्योतिहारी हम न सकत कर सिवत तुम्हारी आपले हो तुम कथा सधारी हम न सकत कर सिवत तुम्हारी आपले हो तुम कथा सधारी। सतगुरु नाम वाणी दे बोहित जुगो जुग अटल चौर शदर दे मालिक गद्दी नशीन तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूप नाल जुड़दे होया आत्मनीण महापुरख संत बाबा दलेर सिंह जी उन्हां दी याद संत बाबा जगदेव सिंह जी उन्हां दी याद नू मनाउंदे होया इस पंडाल दे उत्ते जिथे के ओ आप रचना रचदे सी और इस पंडाल दे विच सुशोभित हो रहे महापुरश और हरिद्वार मंडली मंडलेश्वर और इसे तरह ही विद्वत जन समाज ते गुरु की प्यारी साध संगत प्यार नाल उच्चारण करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार दी हालात जेड़े हालात ने वो बिगड़दे दिसे समा एहो जा हो गया जेड़े लोग उपद्रव विच ग्रसे गए जिन्हां दे अंदरों शांति अभंग हो गई और एही जी हालत दे विच एक जमीन ते भारू बन गए वो लोग ते इसे लिए वो जमीन ने भी पुकार कर दिती जिसनूं जिक्र विच लिया गया है कलमर होई मेदनी अरदास करे लिवलाए सच्चे सुनिया तीर दे और कर्ण दे तीरक देवै सहज सवाए। सच्चे ने ए विचार नूं जनो बोझ भी बोल पए उस धरती दे विच्चों तीरज दे नाल श्रवण कीता और कन दे के भाव गौर नाल श्रवण कीता ते इस लई उस धरती दी रक्षा दे वास्ते जिसने ए सिख कौम नूं होंद विच लियांदा और सिख कौम अज सुरजीत है सिख दा कौमी रूप साडे अज सामने आ रहा है और ए कीने दित्ता है एदे रहबर एदे रहनमा इस होंद दे पैदा करन वाले होंद कर जिहड़े हन अज धन धन सतगुरु नानक देव जी महाराज दे प्रगट होण दा दिन देश विदेश सारियां संगतां दे विच मनाया जा रहा है। इस करके इस हालातां दे मुताबक ही भाई साहब कहण लगे गुरदेव गुरदास जी कि खास करके इह जे हालातां दे विच दी ही कहिंदे सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होवै ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर भुलोवै। गुरु नानक ते प्रगट होण दा साफ जिक्र हजूर दे अनिन सेवकां ते पासों मिलदा है और ओ जदों प्रगट होए धुंद भी कहड़ी सी बोझ पापां दे विच ग्रसी होई जिहड़ी धरती सी ओ धुंदली हो गई सी और लोकां दे मन विकारां विच ग्रसे गए सन लोकां दे मन दी भावना विचलित हो गई सी और उस भावना दी धुंद नूं और उस ए नास्तिकता दी धुंद नूं मिटण वास्ते धन गुरु नानक जी प्रगट होए।
और इस करके जिवें सूरज निकलदा है ते तारे भी और छिप जांदे, सूरज भी ऐ चंद्रमा भी सारा सब कुछ मिट्टी समेटिया सिर्फ छिप जांदा है। इसी तरह ये महापुरश धन गुरु नानक देव जी दे प्रगट होने दे नाल खास करके और पापा का बोझ भी मिटदा गया है। जिवें सूरज निकलिया, सूरज दे निकल नाल गुरु रूप सूरज दे निकल नाल और ज्ञान का उपदेश होया, सारे ही परमेश्वर का चिंतन करन लगे। ऐसा सतगुरु नानक देव जिन्होंने सारे सिद्धांतों के विचों निचोड़ रूप कौन सुरजीत से कहन रखन वास्ते तीन मुख सिद्धांत दिता दिते हैं। वो सिद्धांत की हैं? वो खास ये हैं, धर्म की किरत करनी, वंड छकना, नाम जपना, ये सारियां दे विच ही ये इन्ना सिद्धांत ना कम्युनिस्ट ना कोई होर सोशलिस्ट ना कोई होर ही जीव जंत गुरफ दे बंदिया ने, ये जिहड़ा धन गुरु नानक ने और 500 साल पहला सिद्धांत देता उदों बाद पैदा हुई इन्हां लोगां दी पनीरी तो ये तां थोड़े बहुते लोग साधन नू इको ही एक रखिया है कि खास करके भाई वंड छकण नू ही जिहड़ी प्रधानता मुखता विच लियांदी है और धर्म की किरत जिहड़ी है ये धर्म की किरत दे विच चाहे कोई खेती का कम है, चाहे कोई व्यापार का कम है, चाहे किसी बिजनेस का कम है, चाहे और इस तो नौकरी पेशे का कम है, ये सारे ही जितने वख वख तरह के कम हैं उन सारे कमां दे विच धर्म नू मुख रख के चलना है। धर्म का भाव यह है जो कि असी धर्म धर्म एक साड़ी सच्ची होंद है, सत है और ओदी धारणा ही धर्म है और ऐसी जी धारणा नू असी मुख रख के चलांगे तां इहदे नाल साथों कोई करप्शन नहीं होएगी, साथों कोई रला नहीं पाएगा, साडे विच कोई दोष नहीं आएगा। इसलिए ये साडी किरत भावें किसे ढंग दी है वो धार्मिक किरत बन जाएगी। इस प्रकार दी जे किरत विच रला आ गया फिर सत्संगी और धर्म की किरत रह जाती नहीं, वो तो अधर्म की किरत बन जाती है। इस वास्ते धर्म की किरत करने का उच्च संदेश है धन गुरु नानक साहब ने बख्शिश कीता। नंबर दो ते ओ किरत दे विच आप छकना छकाउणा वंड के छकण दी क्रिया देना कीती है और इस लई वंड के छकणा है। इस सिद्धां ने भी यह जिक्र दोहरा दिता सी, कहिंदे वंड के जे मामूली चीज़ां नूं किवें वंड के छकोंगे, सतगुरु कहिंदे वंड के भी छकिया जा सकदा है, किन्नी मामूली चीज होवे ते सिद्धा ने तिल रख दिता लिया के लै हुण इहनूं वंडो किवें वंडोंगे। महाराज ने कहा बालिया लै भाई करमंडल दे विच पानी पा करके ते ए चीजां जिहड़ियां हन ए सारियां चीजां दे ताई इस प्रकार ए पानी दे नाल ते सब रगड़ दे, रगड़ के खुला कर दे जल ते सारिआं नूं चुला चुला पिया दे। ऐसे तरह ही होया, जल फिर पियाया गया। क्यों भाई सिद्धो तसा तिल तो ये भाव लिया सी के वंडिया नहीं जाना, ये वंडन का भी तरीका अकाल पुरख परमेश्वर बख्शिश कर दिंदा है, इस वास्ते वंडिया गया है। इसलिए असी इस आदर्श नू अपना एक मुख निशाना बनाया है ते नाम जपना सिमरन करना
सिमरन की विशेषता जिहड़ी है ये बहुत बुलंद है सत्संगियो। सिमरन पवित्र मन तो बिना हो सकता नहीं। जिन्हों का मन आत्मा और शुद्ध पवित्र बन गए ने वह सिमरन की अवस्था विच अरूर होके असल निर्णय नूं प्राप्त कर लेंदे ने, सच तक पहुंच जांदे ने। इसलिए सच तक पहुंचने वास्ते ही और सानू जरूरत है सिमरन करन दी। तीन संदेश धन गुरु नानक साहब जी ने सानू बख्शिश कीते हन। इन्हां संदेशां नूं अपने पल्ले भी बन के चलिए, इन्हां ते अमल भी करिए, इन्हां दे अनुसार अपने जीवन नूं भी टालिए, ते इसे नाल ही असी अपने जीवन दे विच हर पक्खों स्वतंत्रता ते सुचजता ते पवित्रता पैदा कर सकांगे। थोड़ा जा मैं माड़ा जा विचार दे दिया कि इस मौके ते पल्लिया है ओदे विच ओ आचरण उच्ची कला भी आ जाएगी और उच्चा आदर्श भी आ जाएगा, ते सच दी भावना ओदे हिरदे दे विच जागृत हो जाएगी, क्यों सच नाल जुड़ के और सच दा रूप बन जाएगा। और मैं एक मिनट दे विच विचार दे दिया इत्थे, ये तां गुरु नानक साहब दे प्रगट होण दा पवित्र दिहाड़ा आपां इस याद नाल संबंधित कर लिया है। और इस करके अगला हुण आपां वेखीए कि आत्मदर्शी संत बाबा दलेर सिंह जी उन्हां दे विच आत्म स्वरूप प्रतख नजर पैंदा सी। ऐसे ओ विचारवान सन, ऐसे विद्वान सन, ऐसे पजनीक सन, ऐसे पहुंचे हुए महापुरख सन जिन्हां दी पहुंच सदगा खास करके सत्संगियो और जिथे बह जांदे संगत जुड़ जांदी सी और बह के कोई प्रश्न कर दिंदा और उन्हां दे बचन ही साध संगत जी ए खास करके ओ बचन ही सत्संग ते कथा विचार बन जांदे सन। इस लई और उन्हां दी याद विच ते इस लई इन्हां तों वाद भरोसा है संत बाबा जगदेश सिंह जी मेरे नाल बड़ा प्रेम करदे सन।